सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो बहनों, आज के इस वीडियो में हम आपको पोषण ट्रैकर ऐप की रिगार्डिंग एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि पोषण ट्रैकर ऐप की ओर से आप सभी आंगनवाड़ी सेविका बहनों के लिए एक नई सुविधा प्रदान की जा रही है, जैसे कि आप पोषण ट्रैकर ऐप में जो भी एक्टिविटी करती हैं उस एक्टिविटी का जो है कि अब आप लोग रजिस्टर के तौर पे उसको देख सकती हैं। जैसे कि आप पिछले मंथ में कौन कौन सी एक्टिविटी की हैं, कौन कौन से कार्य किए हैं पोषण ट्रैकर ऐप में, उन सभी को अब आप लोग रजिस्टर के तौर पे देख सकती हैं। तो पोषण ट्रैकर ऐप में ये नई शुरुआत की जा रही है और इसमें आप लोगों को बता दें कि 5 रजिस्टरों को आप लोग यहाँ पर आसानी से डाउनलोड करके उसको देख सकती हैं कि हमने जो भी पोषण ट्रैकर ऐप में एक्टिविटी की है उसमें हमने कितने बच्चों को क्या प्रोवाइड कराया है, कितने लाभार्थियों को क्या दिया है, वो सारी डिटेल्स अब आप लोग एक क्लिक के अंदर देख सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप लोग वो रिपोर्ट्स देख सकते हैं, किस प्रकार से जो रजिस्टर है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना होगा। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और भी आंगनबाड़ी बहनों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको क्या करना है कि पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको बता दें कि ये जो अपडेट है वो आप लोगों का पिछला अपडेट में ही ये नई सुविधा प्रदान की गई है। ये 20.5 का ही अपडेट है, अभी कोई नया अपडेट नहीं आया हुआ है। इसी अपडेट में आप लोगों को एक नई सुविधा प्रदान की जा रही है जिसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो इस प्रकार से पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो भी हम लोगों को रिपोर्ट वगैरह देखना होता है उसके लिए हमें यहाँ पर PR वाले पे क्लिक करना होता है, जो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को ये ऑप्शन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट है यहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि आप किस मंथ का यहाँ पे जो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको देखना है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे मंथ वाइज क्लिक करके आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक नई सुविधा प्रदान की जा रही है वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। नीचे आप देख पाएंगे टू डाउनलोड मंथली रजिस्टर, तो यही एक नई सुविधा है जिसमें कि आप लोग जो भी पोषण ट्रैकर ऐप की एक्टिविटी की होंगी उसका रिपोर्ट आप लोग यहां से रजिस्टर के तौर पे डाउनलोड करके देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग यहां पे ये देखिए कि यहां पे हमें किस मंथ का रिपोर्ट हमें देखना है, उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग कैलेंडर ओपन करेंगे उसके बाद यहाँ पे किस मंथ का आप यहाँ पे रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो दिखा रहा है जून 2023 से लेके आप लोग यहाँ पे मार्च 2024 तक का रिपोर्ट यहाँ पे खोल के देख सकते हैं। फिलहाल अभी ये जो मंथ चल रहा है वो अप्रैल मंथ चल रहा है, जैसे ही ये अप्रैल मंथ खत्म होगा उसका भी रिकॉर्ड यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे आप जो भी मंथ का रिपोर्ट देखना चाहते हैं, पिछले बैक ईयर का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम किसी एक मंथ को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर मार्च का ही देखना चाहते हैं, हम पिछले मंथ क्या क्या यहाँ पर पोषण ट्रैकर ऐप में जो एक्टिविटी है वो किए हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर मार्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर तो आपको सारी डिटेल्स तो दिखाई देगी कि हमने कितने बच्चों को, कितने लाभार्थी को क्या क्या यहाँ पे प्रोवाइड कराया है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। बट यहाँ पे जो नई सुविधा प्रदान की गई है तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे बोल रहा है डाउनलोड मंथली रजिस्टर, यहाँ से जो मंथली रजिस्टर है उसको आप लोग डाउनलोड करके आसानी से PDF के फॉर्म में भी देख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया हुआ है वो मार्च 2024 का रिपोर्ट देखने के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। आप जिस मंथ का देखना चाहते हैं उस मंथ को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पर आप मान लीजिए कि सप्लीमेंट्री फीडिंग रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा। हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट का ऑप्शन पर क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। कुछ सेकेंड आपको वेट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे जो रिफ्रेश वाला बटन है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप लोगों को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा और ऊपर में आप लोगों को यहाँ पे जो है कि जो PDF का फॉर्म होता है वो आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 5 रजिस्टर है, सप्लीमेंट्री फीडिंग रिकॉर्ड स्टॉक, प्री स्कूल एजुकेशन, प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, इम्यूनाइजेशन, होम विजिट। यहाँ पे 5 जो रजिस्टर है उसको आप लोग बारी बारी से डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए डाउनलोड कैसे करना है फिर से आपको समझा देते हैं। तो इसको डाउनलोड कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पर अभी आप लोग जो स्टेटस है इसका देख सकते हैं, नॉट डाउनलोड दिखा रहा है। आपको डाउनलोड करने के लिए करना क्या है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट वाले पर क्लिक करना है।
जैसे रिक्वेस्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इसका स्टेटस अंडर प्रोसेस में दिखा रहा है। अब आपको कुछ सेकंड का वेट करना है और वेट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो रिफ्रेश वाला ऑप्शन है इस पर आप लोगों को एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ सेकेंड बाद आपको यहाँ पर जो डाउनलोड का ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अभी यहाँ पर अंडर प्रोसेस में है, डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा देर के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो चलिए जो डाउनलोड हुआ है उसको ही हम आपको क्लिक करके दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्री एजुकेशन का आप लोगों को देखना है तो यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फाइल डाउनलोड सक्सेसफुली का मैसेज आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और ऊपर में आप लोगों को जो PDF फाइल होता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर दो फाइल हम लोग का डाउनलोड हो चुका है। तो हम यहाँ पर एक फाइल पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप लोगों को पोषण ट्रैकर लिख के आ जाएगा। और ये किस चीज़ का रजिस्टर है तो आप लोग देख सकते हैं प्री एजुकेशन स्कूल का जो यहाँ पे रजिस्टर है वो खुल के आ चुका है। उसके नीचे यहाँ पे आपको आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगा, आपका प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा, आपका जो आंगनबाड़ी केंद्र कोड है वो देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर खुल के आ जाएगा। और नीचे में आपने SC ST OBC जो भी आपने यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट किया होगा, जो भी एक्टिविटी किया होगा उसका डिटेल्स आप लोग देख पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे नेम वाइज देख पाएंगे कि कौन कौन से बच्चे को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, उसको एक्टिविटी कराया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको सारा रिपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों के पोषण ट्रैकर ऐप में एक नई सुविधा प्रदान की गई है जिससे कि आप अपने पोषण ट्रैकर ऐप में पिछले मंथ का जो भी रिपोर्ट है उसको आप लोग रजिस्टर के तौर पे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और भी आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।